तो गाइस चलिए बात करते हैं डिज्नी हॉटस्टार पे आज रिलीज हुई फीमेल लीड वाली फिल्म पटना शुक्ला के बारे में। फिल्म देखने के बाद जो कुछ भी हमको समझ में आया है चलिए वो आपको भी समझाते हैं। तो फिल्म बढ़िया है, ठीक ठाक है, देखने लायक है। पटना शुक्ला की कहानी शुरू होती है उसके लीड कैरेक्टर तन्वी शुक्ला यानी कि रवीना टंडन जी से, जो कि एक हाउसवाइफ के साथ साथ लोअर कोर्ट लायर भी हैं। घर में पति के अलावा एक बच्चा और एक काम वाली बाई भी होती है। पति जल विभाग में वरिष्ठ अभियंता सीनियर इंजीनियर है और बच्चा तीसरी क्लास का छात्र है। सामान्य सा जीवन चक्र चल रहा होता है तन्वी शुक्ला का, जिसमें वो छोटे मोटे केसेस लड़ती रहती हैं। लेकिन फिल्म के 18वें मिनट में ये सामान्य सी लगने वाली कहानी असामान्य हो जाती है जब एक लड़की अपने BSc के फाइनल रिजल्ट में फेल हो जाती है और बिहार विश्वविद्यालय पर दोष लगाती है कि उसके रिजल्ट के साथ हेरा फेरी की गई है। लड़की यानी कि रिंकी तन्वी शुक्ला के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचती है और तन्वी यानी कि रवीना टंडन से निवेदन करती है कि बिहार विश्वविद्यालय के खिलाफ उसका केस लड़े। अब रवीना टंडन यानी कि तन्वी शुक्ला बिहार विश्वविद्यालय के खिलाफ ये केस जीत कर रिंकी को न्याय दिला पाती है कि नहीं, यही है पूरी कहानी। फिल्म में को ड्रामा से लेकर राजनीतिक खेल ठीक ठाक दिखाया गया है। शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक दखल कितना हावी है और कैसे है, इस पर लेखकों ने अच्छा काम किया है और उसे उतने ही अच्छे तरीके से निर्देशक ने फिल्माया भी है। पटना शुक्ला फिल्म बिहार पर आधारित है, लेकिन फिल्म देखने से बिहार जैसा कुछ खास महसूस नहीं होता, जिसमें लगता है कि फिल्म को बिहार में न शूट करके किसी स्टूडियो या किसी लोकेशन पे शूट किया गया है। फिलहाल फिल्म की मेकिंग 2022 के आखिर महीनों में ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन रिलीज को लेकर तमाम समस्याओं से निपटने के बाद पटना शुक्ला आखिर 2024 के मार्च में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो गई है। पटना शुक्ला में रवीना टंडन के अलावा सतीश कौशिक, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, अनुष्का कौशिक, मानो विज, जतिन गोस्वामी, चंदन राज सन्याल और अन्य कलाकार हैं। पटना शुक्ला को डायरेक्ट किया है विवेक बुदाकोटी ने और खर्चा उठाया है अरबाज खान ने। आपको बता दें कि 28 मार्च को ही पटना शुक्ला का स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया था जिसमें सलमान खान भी उपस्थित थे। प्रोड्यूसर के भाई हैं तो उपस्थित होना तो बनता ही है। तो सलमान खान फिल्म देखने के बाद मीडिया से बताएं कि सतीश कौशिक के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता था और वो कोई भी फिल्म अधूरी नहीं छोड़ते हैं। अपनी तरफ से आपको बता दें कि जब सलमान खान का करियर डूबती नैया पे सवार था तब सतीश कौशिक ने ही तेरे नाम बनाकर उनकी नैया पार की थी। इस फिल्म के तैयार होने के कुछ ही महीनों बाद 2023 में सतीश कौशिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। खैर, स्वर्गीय सतीश कौशिक जी इस फिल्म में जज की भूमिका में हैं और अपने कैरेक्टर को बहुत ही दमदार तरीके से निभाया भी है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए रिव्यू के साथ जल्द ही। तब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए खत्म करते हैं।